सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं उसके वापस आ गई हूँ आपको रिक्तु पोनुंग दिखाने के लिए। रिक्तु द लॉन्ग, बहुत सारे ऑडियंस भी आए हैं ये रात को विटनेसिंग करने के लिए, ये रात को देखने के लिए। दूर दूर से ही बहुत सारे लोग आते हैं। हेलो हाँ जरूर, देखो मम्मी भी नाच रहे हैं। ओके, ये इसे मोपुन दलोंग कहते हैं हम सारे। तो इस तरह से इसका फॉर्म होता है, ये देखिए। तो मैं रात के 10 बजे उठ के आपके लिए ये वीडियो शूट करने के लिए वापस उठ गए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, इसे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसे खींचने के लिए वापस आए हूँ। सो गाइस, जो लीड कर रहे हैं इसे हम मेरी आने कहते हैं। तो हम इसे स्पेशली सिमोंग बस्ती से हायर किए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खास नाइट है, खास शाम है। तो हम इसे बिल्कुल भी ऐसे छूटना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, मेरे आग भी फूला फूला सा है, क्योंकि मैं सो के वापस होती हूँ, पेज भी नहीं धोके। तो बस मैं एक अच्छा सा ग्राफर ढूंढूंगी जो मेरे लिए वीडियो कर पाए, कि मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे भी करना है, पसंद है मुझे भी। तो बस मैं आपको बता दूँ, हम इस रिक्तु नाइट में, मोपोन नाइट में, हमारे जो खीरे नाने हैं उसको हम ब्लेसिंग मांगते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूचर जो प्रोडक्शन है उससे बम्पर प्रोडक्शन दे, अच्छा प्रोडक्शन मिले हमें। इसलिए हम ये नाइट को धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ जो हमारे तरफ से मेरी आने को गिफ्ट, टोकन ऑफ लव। ये देखिए, ये देखिए, ये हम मेरी आने को देते हैं ये सारे मीट। ये थिंग है जैसे ऐसा करते कैसा लगा? अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। माहौल तो बहुत ही जम रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ, सारे लोगों से दिखाऊंगी, सारे लोगों को मिलवाऊंगी, क्योंकि ऐसे है ना, आज है कल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस को भी मेरे इस छोटे से चैनल में लेना चाहती हूँ, ताकि वो भी मेरी कैमरा के मेरे चैनल के थ्रू कैप्चर हो जाए। तो ठीक है गाइस, ये देखो हमारे प्यारे प्यारे बस्ती वाले और जो भी बाहर से आए हुए सारे को भी थैंक यू हमारे ये नाइट को कलरफुल बनाने के लिए। जो सिमोंग से आए हुए सारे, उन लोगों को भी थैंक यू सो मच। We can't
सो गाइस हम इसे लड़के भी करते हैं एंड लड़कियां भी करते हैं इस फॉर्म को इस जलोंग को हाँ अच्छे से कीजिए सो गाइस ये है हमारे कल्चर हमारे मोपुन कल्चर हम से हर साल करते हैं एवरी ईयर तो गाइस मैं आपको बता दूं आज इस रात में हमें पता चलेगा कि इस साल का जो हमारा खेती है अच्छा होगा कि नहीं होगा अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज रात हमें पता चलेगा ये मीरी आने जो आज हमें बताने वाले हैं अपने पोनों के थ्रू अपने दलों के थ्रू हमें बताने वाले हैं कि आज इस साल का हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा तो जितने भी यहाँ पे अब बुजुर्ग हैं उन्हें जो लोग ये गाना को सुन के पता चलता है उनके थ्रू हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा तो ठीक है तो मैं आपको भी बताऊंगी बाद में कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा देखो ना गाइस बहुत ही जोश के साथ हम दलोंग कर रहे हैं देखिए हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस बस्ती के सबसे ओल्ड वोमेन ओल्ड मैन सब इधर हुए हैं इसे सुनने के लिए क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है इसलिए बहुत पसंद करते हैं जितने भी बुजुर्ग हैं बहुत पसंद करते हैं असीबो असीबो गाइस थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मीरी आने का भी जो गला सूख जाता है तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है मीरी आने को भी ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट लेते हुए हम रिक्तु पोनू कंटिन्यू कर रहे हैं तो ठीक है एकदम वाटर सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि गाला सूख जाता है तो इसलिए यहाँ पे पानी दे रहे हैं पानी लीजिए पानी सूखे हुए गला को भिगाइए पानी से बंद यूज कर अब या तुम ये है हमारा रिक्तु पोनू हम इसे रिक्तु मोपुन पोनू कहते हैं हमारे यहाँ पे इसे मोपुन कहते हैं तो इस तरह से हम करते हैं मोपुन के रात बहुत ही धूमधाम से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं वेलकम करते हैं और किने नाना को प्रे करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है अच्छा हो हमें बार बार प्रोडक्शन मिले तो इसलिए हम ये सारे रिचुअल्स करते हैं
देखो मुझे भी मिला है आगामोद सिंह। ये राइस से बनते हैं, किने नाने को सबसे पहले तो अर्पण करते हैं, उसके बाद हम इंसान खाते हैं। सबसे पहले तो किने नाने गोदरेज को देते हैं, उसके बाद हम इंसान को खिलाया जाता है। देखो बारी बारी सारे इंसानों को दे रहे हैं अफ्तार किने नाने। किने नाने के खाने के बाद हमें गाने को नसीब कर रहे हैं, नसीब हो रहे हैं। अगामोद सिंह ले लीजिए, अगामोद सिंह, अगाम पोतांग, अगाम पोतांग, अगाम पुए, थैंक यू, मम्मी भी मुझे दिया। अगाम पोतांग, हम इसे सेटिंग को पोतांग कहते हैं। ये हमारा खासियत है, हमारे पास एक अपना सा एक यूनिक सा लैंग्वेज है। सो आई एम प्राउड माई लैंग्वेज। देखो इसको भी कोई अट्टिंग कहते हैं, हम इसे पोतांग कहते हैं। ये बहुत ही लाजवाब है। लास्ट राउंड होगा, उसके बाद में जाऊंगी घर, क्योंकि ये तो रात भर चलते रहेंगे। आपको भी देखते देखते बोर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ झलक दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ ऐसा करता है। हमारा कल्चर दिखाना मेरा हक है, मेरा रेस्पॉन्सिबल है। देखो ये है हमारे आगाम तके, आगाम तके। हाँ अगर तक ले लो, ऑडियंस को दे रहे हैं जो जो चार कर रहे हैं। हेलो कोबो होइस, हेलो मे, हेलो कोबो, हेलो मे, हेलो कोबो, हेलो कोबो, हेलो मे, हेलो कोबो, अभी बहुत बहुत मैंने ले ली है, क्योंकि ये ही हमारा फॉर्म है, इसे ही करते रहेंगे सारे रात, इसे करते रहेंगे। तो मुझे हमारे बुजुर्ग से पता चला कि हमारे जो मेरी आने कह रहे कि हमारा आज इस साल का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं आई होप मेरा सभी जो बहुत ही पसंद आई होंगी। यही कल्चर दिखाने के लिए मैं रातों रात जग गए आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपना कल्चर आप लोग के साथ शेयर करूँ। क्योंकि अपना कल्चर शेयर करने से, मेरे कल्चर आप लोगों को दुनिया भर में दिखाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा कल्चर को भी दुनिया वाले को भी जानना चाहिए, और दुनिया वाला को भी कल्चर हमें पता चलना चाहिए। तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ हमारा कल्चर।